तो आज हम चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हम लोग भाई? चिलिंग पॉइंट, यहाँ पे आइस कैफे हुआ, इंडिया का फर्स्ट आइस कैफे। चिलिंग पॉइंट इंडिया का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट आइस कैफे बने। कैफे नहीं है ना, चलो आ चलते, तो कैफे खाना तो वहाँ भी नहीं है। ये हमारा फौजी भाई मंजीत भाई, इसको तुम जानते हो, और मेन डोन, मेन डोन तो हमारे ये हैं, हमारे डोन गाड़ी के ओनर। ओके, हर हर महादेव। सतनाम श्री वाहे गुरु उन पत्थर साहिब गुरुद्वारा जी। नाउ वी हैव रीच मैग्नेटिक हिल, और जो आपको ये लाइन दिख रही है सामने, ये येलो वाली लाइन, यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है कुछ मीटर के लिए, 10 से 15 मीटर के लिए बस। बैक नहीं करती है ना, इधर ही करती है ना। इस रोड पर आप स्ट्रेट चले जाओगे तो आप कारगिल की साइड निकल जाओगे। यहाँ से हमें यू टर्न लेना है संगम और चिरिंग के लिए। संगम, संगम के बारे में आपको बताऊँ तो यार, लोग बाग गर्मियों में आते हैं देखने के लिए, पर गर्मियों में पानी का रंग बिल्कुल ख़राब होता है और सर्दियों में बिल्कुल ब्लू। एंड हमें है ना, बल्कि जो संगम होता है वो भी दिखाई देता है कि यहाँ कैसे हो रहा है। आपको जो हमारी संगम वाली वीडियो, आप उसमें देखना, आपको मैं गर्मी और सर्दी दोनों का कंपेरिजन उसमें दिखाऊँगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो लेह लद्दाख आप गर्मियों में विज़िट करें और एक बार ज़रूर सर्दी में भी विज़िट करें। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अगर ऐसे नज़ारे मिलते हैं तो घर से निकलना बनता है। दोस्तों घर से निकलो, नेचर नेचर बोलता है यार, नेचर बोलता है। चिलिंग तो बहुत दूर अभी, चिलिंग ना यहाँ से 21 किलोमीटर अभी तो। चिलिंग का वो है ना, ये बनाया हुआ। सो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं आइस कैफे। ये रास्ता नीचे जा रहा है आइस कैफे की पार्किंग के लिए। आप चाहें तो रोड पे भी अपनी कार खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे, और पैदल नीचे जा सकते हैं। हम अपनी कार को नीचे लेके जा रहे हैं, ओ सॉरी कार नहीं, थार को। टेम्पटिंग नोट्स प्रेजेंट्स यू द आइस कैफे, इंडिया फर्स्ट आइस कैफे एट चिलिंग लेह लद्दाख। यार अभी गर्मी के चक्कर में सारी बर्फ पिघल गई है। जो पहले तो जो स्टार्टिंग में बना था ना, उस टाइम यार जो व्यू था इसका यार ऑसम था एकदम। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, कहाँ पे? इंडिया के फर्स्ट आइस कैफे में, जो कि चिलिंग के रास्ते में है। बर्फ़ थोड़ी सी पिघल गई गर्म के कारण, ये तो पहले बहुत अच्छा बना हुआ था, जो संगम से 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही है। आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, और इसकी ब्यूटी आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे खाना वाना ही मिलेगा। हाँ जी, लेकिन अब कभी आना हो तो आना जनवरी के मंथ में। हाँ। फरवरी में जी रिसेप्शन का उन्होंने बनाया हुआ है, अब यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे आके हम लोग क्या लेक्चर भी दे सकते हैं किसी को, अगर क्लास ला सकते हैं पूरी पूरी। हाँ जी, खासकर लेडीज की। हैविंग देयर कॉफी, कर दिया अब। जल्दी ये